भी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी। हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। बंद करो ये सब, पहले ये सुनो। दोस्तों, पीएम मोदी, उनके अनभक्तों और कुछ अदर बड़े सेलिब्रिटी की बेतुकी यानी अनलॉजिकल बातें और बयानबाजी पर ध्रुव राठी के कुछ बेहद इंटरेस्टिंग, फनी और कॉमेडी टाइप रिप्लाई और एक मस्त पोएट यानी कविता सुनने और इन सब का मजा लेने से पहले मैं आपके समक्ष एक छोटी सी लेकिन बेहद गंभीर और जरूरी बात रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने जो थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्त, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मोदी जी के समर्थक हो या विरोधी, लेकिन इतना याद जरूर रखना कि आप एक हिंदुस्तानी हो। मोदी जी का मजाक बनाने, गलत सलत बोलने और उन्हें गालियां देने से पहले थोड़ी मर्यादा और इतना ख्याल जरूर रखें कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की इज्जत हैं वो। क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की इज्जत समस्त देशवासियों की इज्जत होती है और उनके अपमान में हम सब का अपमान होता है। हाँ, ये बात सिर्फ हम जनता को ही नहीं बल्कि खुद मोदी जी को भी समझनी चाहिए कि वो किस मकाम, किस पद पर विराजमान है, उनकी पद की गरिमा, उनका स्तर क्या है। उन्हें भी अपने मर्यादा के स्तर को समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते होंगे कि जो जितने बड़े पद पर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही बड़ी होती है। उनकी एक जरा सी गलत बात पर ज्यादा विवाद हो सकता है और फिर हर बात, हर काम की एक लिमिट तो होती है, एक हद होती है और फिर उसके बाद विरोध होना या मजाक बनना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमें प्रधानमंत्री की कुछ कार्य प्रणाली, कोई डिसीजन ज्यादा ही गलत लगा भी, आपत्तिजनक हो भी, तो हम विरोध कर सकते हैं लेकिन उन्हें गालियां नहीं दे सकते। उन्हें बेइज्जत करने का हमें कोई हक नहीं। जैसा इन दिनों ट्रेंड चल रहा है उनके मजाक, जोक या मीम्स बनाने का, इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता और ना ही किसी को करनी चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। वैसे ये मेरी अपनी सोच है, आप मेरी सोच से कितने सहमत हैं भी या नहीं, मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें ताकि हम आगे अपने कुछ बेहतरीन थॉट्स और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचा सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और इसके मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, जो कि आज की जरूरत है। अब आप ध्रुव राठी के कुछ तीखे, कुछ फनी अंदाज में उनका जवाब सुनिए और एक पोएट को भी सुने और फिर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो और हमारी बातें। आपने अपना 2 मिनट का कीमती वक्त दिया, मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो, धोती कुर्ता पहन के खड़े हो? कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इनवाइट किया, टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? खुद के संकल्प नहीं याद रहते, एक दिन पहले लिए गए। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। ये आग लगाने वाले कौन है, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। क्या ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट भी है? देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है क्या? 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहे बोले जा रहे हो।
और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा ये ख्याल उसे अखरता है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है।